देखो देखो हमारे साथ हमारे पांडे हमें आ रहा है ध्यान रखना चलो चलो आए मैं क्या कहते हैं उसमें कराटे के ओपन चैलेंज फाइट में मेरा गोल्ड मेडल आया है और उसमें मलेशिया से श्रीलंका से काफ़ी और बांग्लादेश से काफ़ी टीम आई हुई थी। काफ़ी मेहनत करने के बाद हमारे मेडल निकला। हमारी सारी टीम ने बहुत मेहनत करी है उसका इंतजाम क्या उसका फल क्या कहते सबके हाथ में एक एक मेडल है और अगली बार से कोशिश करेंगे पूरे मथुरा में जितनी भी टीमें जाए चाहे 30 हो चाहे 50 सबका मेडल निकले। हेलो मेडल निकला है। मैं दो फाइट जीती थी और आगे भी जाना चाहती हूँ फाइट में। मेरे पापा ने मुझे भेजा फाइट के। कैसा फील किया आपने? मैंने बहुत अच्छा इंजॉय किया, काफी इंजॉय किया, काफी अच्छा लगा और आगे भी चाहती हूँ, आगे जाना चाहती हूँ। शुरुआत आप ही हमारे बच्चे जो है एशिया ओलंपिक पूरे इंडिया के अंदर पूरा मथुरा छा के रहेगा। ये हमारा बच्चा है सबके सामने मथुरा का परचम हर जगह हमेशा लहराता रहेगा और हमेशा आज प्रेस को कोई नहीं आता था। क्या रहा आपका फीलिंग, कैसा रहा? हमारी टीम तीसरी अक्षय इंटरनेशनल इन्विटेशनल कराटे चैंपियनशिप में जाके प्रतिभाग किया और वहाँ जाकर मेडल्स भी प्राप्त किए और हमारी इस छोटी सी सफलता में हमारी पूरी टीम का सहयोग है और किसी एक के भी सहयोग के बिना ये सफलता हमें नहीं मिलती और मुझे अपनी पूरी टीम पर बहुत गर्व है और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कॉर्पोरेशन के लिए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो आगे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपने युवा लड़कों के लिए या गर्ल्स के लिए? मेरा सिर्फ यही संदेश है कि मार्शल आर्ट्स को लोग अपनाएं और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अभी तक लोगों ने इसे ढंग से जाना नहीं है लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहीं से कहीं पहुँचा सकती है। बस मैं ये कहना चाहूँगा। आपने इसको गोल्ड प्राप्त किया है इसने आपको सिखाने के बाद? काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये अपनी छोटी सी 5 साल की उम्र में इसने गोल्ड मेडल जीता, वो भी अक्षय कराटे टूर्नामेंट में जहाँ पर हमारे टोटल 60,000 प्लेयरों में से 3,299 प्लेयर पार्टिसिपेट किया था जिसमें 30 हमारे मथुरा के स्पोर्ट्स मास्टर अकेडमी के थे और इसने अपनी छोटी सी एज में ये तीसरा मेडल जो कि गोल्ड मेडल हासिल किया है इसके लिए काफ़ी शुभकामनाएं संदेश भी बातें मिले हैं। और देखो नेक्स्ट टाइम अगर बैटल लग रहा है इसका तो 1 लाख रुपए के लिए भी ये खेलेगी क्योंकि वहाँ के जो टूर्नामेंट है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर अक्षय कुमार हैं उनकी तरफ से जितने भी इस साल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो नेक्स्ट टाइम कैसा इसके लिए वहाँ पर खेलेंगे।